दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने थाना बिंदापुर में एक कंप्यूटर राइज लैब और लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि संगम एजुकेशन ट्रस्ट के सहयोग से थाना बिंदापुर में कंप्यूटर क्लास और लाइब्रेरी का आयोजन किया गया। समाज के पिछड़े तबके और अपराध से जुड़ने वाले बच्चों में खास तौर से फोकस करते हुए दिल्ली पुलिस उन्हें शिक्षित करेगी और बाद में जॉब प्लेसमेंट भी किया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि उद्घाटन के मौके पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा कि दिल्ली पुलिस समाज का सहयोग चाहती है और समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है। उसी पहल को यहां पर किया गया, उसी पहल के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगम एजुकेशन ट्रस्ट की शिक्षा प्रणाली का रोल इसमें काफ़ी ज़्यादा अहम रहेगा और देखिए किस तरीके से यहाँ बिंदापुर थाने में जो है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना जो है उनको जो ट्रस्ट चलाने वाले लोग हैं उनको सम्मानित भी कर रहे हैं और किस तरीके से ये संस्था जो है काम कर रही है, संगम एजुकेशन ट्रस्ट जो है किस तरीके से काम कर रही है, उस बारे में भी राकेश अस्थाना ने यहाँ पर बताया। जो पुलिस परिवार के बच्चे हैं उनको अच्छे से अच्छी एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग मिले, उसी कड़ी में जो कि संगम एजुकेशन ट्रस्ट भी ये प्रपोजल लेके आया था और उनका पर्पस था कि पुलिस स्टेशन के आसपास रहने वाले जो बच्चे हैं जिनको सुविधाएं अच्छी उपलब्ध नहीं हैं और जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए इस तरह का सेंटर हम स्थापित करें। हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग के इनिशिएटिव्स में भी एक बहुत बड़ा रोल हम लोग जो प्ले करते हैं वो ये है पब्लिक से पार्टनरशिप का और अपने संसाधनों को रिसोर्सेज को पब्लिक को यूज़ करने देने के एक अभियान में अपने प्रमाइसेस या अपनी फैसिलिटीज हम लोग यूज़ कराते हैं। कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने अपने मेट्रो रेलवे स्टेशन में एक ई लाइब्रेरी की स्थापना की थी। ऐसी 4-5 ई लाइब्रेरीज ऑलरेडी वर्किंग हैं। उस दिन मैंने ये भी कहा था कि मेरा ये विचार है कि हम एक साल के अंदर अपने तमाम 178 पुलिस स्टेशन जो जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन हैं उनके प्रमाइसेस में इसी तरह की लाइब्रेरीज और कंप्यूटर सेंटर्स की स्थापना करें, एक माहौल मिले पढ़ने का, हमारे भी परिवार के बच्चों को माहौल मिले पढ़ने का और आगे बढ़ने का। मैं समझता हूँ कि संगम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से कुलदीप ने जो अमीश और उनके दूसरे साथी जैकब ने जो ट्रस्ट में ये मेहनत शुरू की है, पुलिस उनके लिए बहुत अच्छा एक सहयोगी साबित होगी। और फॉर्चुनेटली कुलदीप के जो सन है अंगद, ही इज़ एन IPS ऑफिसर, हैज बीन अलॉटेड रेडमुट कार्डर, वो ही विल बी हियर इन दिल्ली इन फ्यूचर। तो एक बहुत बढ़िया ये उनका मैडम का भी मेमोरी हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे और वो चूँकि खुद एक बहुत अच्छी टीचर रही हुई थी तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अगर ये कंट्रीब्यूशन कुलदीप के साथ हमारी दिल्ली पुलिस इसमें सहयोग कर सकेगी तो हम लोग सबके लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैंने ये कुलदीप को बताया है कि अपने यहाँ दिल्ली पुलिस में हमारा एक वर्टिकल है वेलफेयर का, जो हमारी स्पेशल CP यहाँ मौजूद है शालिनी, शी इज़ लुकिंग आफ्टर दैट, उसके साथ इसको इंटीग्रेट करके इसको हम लोग इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे ताकि ये कदम चलता रहे। और ये ऐसी जितनी भी पहल होती हैं, इनिशिएटिव्स होते हैं, अगर उस चीज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज हम लोग नहीं कर सके तो वो फिर बहुत ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे वेलफेयर वर्टिकल के साथ इसको लिंकअप करके वी विल डेफिनेटली मेक इट मच मोर ब्यूटिफुल, यूजफुल। साथ ही साथ जो मैडम की याद है वो बरकरार रहेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि कुलदीप और डॉक्टर ईश कुमार और जेकब तीनों और दुष्यंत यहाँ बैठे हैं, ये लोग सब मिल के इस पहल को और भी दूसरे पुलिस स्टेशन में हम लोग ले जाएंगे, उसमें हमारा वेलफेयर वर्टिकल भी काम करेगा। संगम ट्रस्ट हमने अपनी मिसिज की याद में बनाया है, मिसिज संगीता मेहता की,
जिनको हमने पिछले साल कोविड में खो दिया था। तो वो एक बहुत पैशनेट टीचर थी, फिलेंथ्रोपी वगैरह में बहुत और सोशल सर्विस में काफ़ी काम करती थी। तो उनका जो काम शुरू किया हुआ था उनको हम आगे लेके जाना चाहते हैं। तो इसके तीन फोकस एरियाज़ हैं, एक है क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी तरह से एजुकेशन के फील्ड में काम करना। दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि विकास वगैरह का जो भी काम है उसको अच्छी तरह से करना। और तीसरा नेटिव कल्चर, जो भी हमारी भारतीय संस्कृति है उसको हमने बना के रखना है और उसको आगे प्रमोट करना है। तो बेसिकली संगम ट्रस्ट इन तीन क्षेत्रों में काम करेगी। माई सेल्फ महक जिंदल, एंड मेरे को बहुत ही ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ इस NGO को, संगम ट्रस्ट को और पुलिस स्टेशन को, क्योंकि उन्होंने फैकल्टी प्रोवाइड करी इधर और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे सीखने आ रहे हैं। और हमने खुद भी, एज ए मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, तो मैंने खुद भी उन बच्चों से बात की है, तो मैंने उनके बारे में पता किया। तो वो खुद भी उधर अपने NGO में पढ़ाते और यहाँ पे वो खुद भी एक IT एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। तो मतलब उन लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया और हमको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो मतलब एक होता है कि एक स्पेस नहीं मिल पाता है इजीली, कि अगर उन्हें कुछ कराना तो स्पेस मिल पाता है, तो वो पुलिस स्टेशन ने प्रोवाइड किया है उस NGO को, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ।